ट्रंप की कुर्सी से 6 फीट की दूरी पर बैठकर खुद को बड़ा नेता बनाने के चक्कर में इमरान खान ने तालिबान अमेरिका के मध्यस्थ होने के जो दावे किए थे उन्हें तालिबान ने पलीता लगा दिया है। तालिबान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह पाकिस्तान के पिट्ठू नहीं है, जो वे उसका हुक्म मानेंगे। तालिबान का कहना है कि इमरान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो सकता है, उनका नहीं, इसलिए वे अपनी नेतागिरी अपने पास रखे। अमेरिका से इमदाद हासिल करने के चक्कर में इमरान खान तालिबान को बलि का बकरा बनाने का प्रयास ना करें। तालिबान का यह बयान इमरान को लेकर ऐसे वक्त आया जब इमरान ट्रंप के सामने 19 से ज्यादा बकलोली करके आए हैं। तालिबान ने एक ही झटके में पाकिस्तान की नेतागिरी का सारा खुमार निकाल दिया है, मतलब अफगान तालिबान शांति वार्ता में बड़ी भूमिका मिलने से इठलाई पाकिस्तान की राह अब बेहद मुश्किल दिखाई पड़ने लगी है। दरअसल पाकिस्तान इस बात पर फूलकर कुप्पा हुए जाता था कि अमेरिका ने उसे यह जिम्मेदारी इसलिए दी है कि उसने उसे जिम्मेदार मुल्क समझा है, जबकि यह मुल्क जिम्मेदार नहीं होकर ताबेदार मुल्क है, जो भीख की खातिर किसी की भी ताबेदारी बजा सकता है। तालिबान के कई फील्ड कमांडर इस वक्त पाकिस्तान से खपा हो गए हैं। यही फील्ड कमांडर पाकिस्तान पर जमकर बरस रहे हैं। ये वही तालिबानी हैं जिन्होंने शांति वार्ता के दौरान पाकिस्तान के तर्कों का खुलेआम विरोध किया था। हालांकि पाकिस्तान अपनी फजीहत बचाने के लिए इन पर भारतीय खुफिया एजेंसी रो के संरक्षण में जाने का आरोप लगाता रहा है, जो बेहुदा होने के साथ तथ्यहीन भी है, मगर उसके ऐसा कह जाने से उसकी समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से पाकिस्तान की बड़ी मुसीबत शुरू होती है। अमेरिका के सामने खुद को साबित करने के लिए पाकिस्तान अब तालिबान के साथ ही चाल चलनी शुरू कर रहा है। इसके लिए वे तालिबान पर शांति वार्ता में शामिल होने और सफल बनाने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, यानी पाक का कोई सगा नहीं और दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। पाकिस्तान कई विकल्प के रूप में तालिबान पर दबाव के लिए उनके पाकिस्तान में घुसते ही गिरफ्तार करने पर भी विचार हो रहा है। दूसरे विकल्प के रूप में पाकिस्तान तालिबान कमांडरों के परिवार जो कि उसके मुल्क में है उन्हें जरिया बनाकर घुटनों पर लाने के बारे में सोच रहा है। यदि तालिबान इसके बावजूद भी पाकिस्तान के सामने नतमस्तक नहीं होता तो पाकिस्तान तालिबान से अपने संबंधों को खत्म करके उसे उसके हाल पर छोड़ दे। मतलब साफ है, इमरान खान की ट्रंप के सामने की गई बकलोली अब उसके लिए कुनैन की गोली बन चुकी है, जिसे निगलने से पहले ही पाकिस्तान के फंटर लोगों को पसीने आ रहे हैं। पाकिस्तान जो 22 जुलाई को इस्लामाबाद के चौराहे पर इसलिए गधैया नृत्य कर रहा था कि अमेरिका ने उसे अफगान तालिबान शांति वार्ता में मध्यस्थ के रूप में चुना है और भारत का पत्ता इससे बिल्कुल कट गया है। अब इमरान के पिछवाड़े पर लाल रुमाल बांधने के लिए मचान पर खड़ा है, यानी दुनिया के मंच पर भिखारी के रूप में विख्यात हुआ पाकिस्तान फिर से वैश्विक मंच पर बेइज्जती की तरफ बढ़ रहा है। यह ठीक उसी तरह की किसी भिखारी के सिर पर 10 का नोट रखकर उसे यह कहकर 100 के नोट के लालच में दौड़ा दिया जाए कि नोट गिरा तो 100 रुपए मिलेंगे, नहीं तो 10 भी गए। अमेरिका ने ठीक वही स्थिति पाकिस्तान की कर दी है, मतलब शांति वार्ता का ठेकेदार बनाकर अब पाकिस्तान और तालिबान में ही ठनवा दी है, जिसकी वजह से तालिबान से संबंध टूटने के मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान के साथ कभी शर्तों पर काम करने वाला अमेरिका इस बार बिना शर्त के मैदान पर पाकिस्तान को गधैया नर्तक करा रहा है। उसे अफगानिस्तान से सम्मान के साथ अपनी सेना निकालनी है। ऐसे में इन मदरसा छाप लोगों का बुद्धू बनाना भी आसान है। इन्हें भीख की जरूरत है, जिसकी उम्मीदों में इन्होंने कटोरे मांझना शुरू कर दिए हैं, पर अमेरिका चालाकी से हर कदम बढ़ा रहा है। उसकी मंशा यही है कि अफगानिस्तान से निकलते निकलते वह तालिबान रूपी मुसीबत फंटर पाकिस्तान के गले में ही डाल जाए, यानी दोनों एक दूसरे को मारते काटते रहें। तालिबान के पाक विरोधी फील्ड मार्शलों के बयान से अब उसके संकेत मिलना शुरू भी हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि भारत के कूटनीतिज्ञ इस खेल को भलीभांति समझ रहे हैं, इसलिए उनकी खामोशी इसकी पुष्टि करती है। स्वयं अफगान सरकार भी अमेरिका, पाकिस्तान और तालिबान की शांति वार्ता से खुद को अलग करके देख रही है। अफगान सरकार जानती है कि अमेरिका ने तालिबान के हाथों अपने सैकड़ों जवान गंवाए हैं, वे आसानी से उसे आजाद छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए अमेरिका एक बड़े गेम प्लान के तहत इस मुद्दे पर काम कर रहा है। वह इस मामले में किसी अन्य देश को नहीं लेकर पाकिस्तान के सिर पर सारी मुसीबत डालने की फिराक में है। हालत यह है कि बकलोल इमरान खान खुरापाती ट्रंप के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। अब वह उससे दूर नहीं भाग सकता। उसे उन शब्दों की सार्थकता साबित करनी होगी जिन्हें वह ट्रंप से बोलकर आया है।
पाकिस्तान का पलटी मारने का वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि इमरान खान का बक्कर स्वभाव ट्रंप को आभास करा चुका है कि पाकिस्तान का तालिबान पर कितना प्रभाव है। अमेरिका उस प्रभाव का धुआं इमरान खान की तशरीफ से देखने के लिए अपने डंडे पर तेल चुपड़ रहा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।